अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकिन इस बच्चे की माँ होने की और हमारे बहू बनने की जिम्मेदारियां सुमन ने ले ली है। देख लीजिए, ये लड़की का त्रिया चरित्र, ये है इसका असली रूप। अरे इसको ना डॉक्टर साहब के घर पे ज्यादा दूध मलाई दिखा होगा। बस इसने तय कर लिया कूदने के लिए तीसरे पति के लिए, है कि नहीं? अरे भगवान जी धन्य है आप, दिखा दिया आपने इसका असली रंग, वो भी सबके सामने। ये सब क्या है सुमन? तुम्हें राजीव से शादी करनी होगी। अगर हाँ है तो अंशुमन के इलाज के लिए राजीव तैयार है। नाना जी, जब महिमा आंटी हमारे लिए हमारे घर रिश्ता लेकर आई थी तब हमने इन्हें मना कर दिया था, लेकिन फिर हमने बहुत सोचा और हमें ऐसा लगा कि इसमें गलत क्या है। सुमन जी भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं संध्या के साथ, और वैसे भी हम अगर घर में रहते हैं तो संध्या बहुत अनकंफर्टेबल फील करती है। हमारे रहते उसे उसका हक नहीं दिया जा रहा, इसलिए हमने ऐसा सोचा कि अब वक्त आ गया है कि हम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। चलो सुनो, ये फैसला है तुम्हारा सुमन, ये फैसला है तुम्हारा। हम मान ही नहीं सकते कि तुम ऐसा फैसला ले सकती हो। अरे सुमन, तुम कैसे भूल गई, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी रहती थी तो सिर्फ हम थे जो तुम्हारे साथ खड़े थे। बोलो, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? सिर्फ भी मां कहती थी ना तुम हमें, एक मां की ममता की कदर तुम्हारी नजरों में, अरे हमारी ममता की कदर ना सही, कम से कम अंशुमन के होश में आने का इंतजार तो कर लेती। बहुत इंतजार किए सिर्फ भी मां, आप अगर इंतजार किए तो देर हो जाएगी। नई जिंदगी हमारा इंतजार कर रही है, अब हम किसी के लिए इंतजार नहीं कर सकते। हमें जाना होगा। हम तो तुम्हें सत्यवान की सावित्री समझ रहे थे, लेकिन तुम एक साधारण पत्नी होने का धर्म तक नहीं निभा पाई, उससे भी पीछे रह गई, उसके होश में आने का इंतजार तो करती। सुमन आ जाएगा अंशुमन को होश। बिल्कुल सही हो जाएंगे वो। एक बार तो सुमन के कहने पे बीच रास्ते से वापस आ गया मैं, पर अब और देर नहीं कर सकते। चलो
अपरंपार है, धन्य है आप। आज निर्जला एकादशी के दिन हमारा मनोकामना पूरा हो गया। ई मनहूस अंततः विदा हो ही गई, बस वापस ना आ जाए। बड़ी माँ, जिसके जाने पर आप विधाता को याद कर रही हैं, मत भूलिए वही सुमन पिक्पी के लिए हमेशा ढाल बनकर खड़ी रही है, उनकी जिंदगी के लिए। और आज भी डॉक्टर राजीव को सुमन ही लेकर आई है, जिसकी वजह से पिक्पी को एक नई जिंदगी मिली। अब सुमन को ये सब कहकर आप सुमन से ही नहीं बल्कि पिक्पी से भी दुश्मनी कर रहे हो। नहीं नंदन बाबू, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है बेटा, दुश्मन तो परिस्थितियां होती हैं। वो हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती हैं जब समझ में नहीं आता है कि कौन सा मोड़ सही है और कौन सा गलत। जी, सबसे मुश्किल बात तो ये होगी कि जब अंजुमन को होश आएगा और सुमन के बारे में पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे। कहाँ है उसकी सुमन? Hello. Sorry to keep you waiting, sir. I checked the schedule. Today there are no more flights going from Patna to Delhi. Okay, no problem. Thank you. Ma, आज कोई फ्लाइट नहीं है तो आज हमें यहीं रुक जाना चाहिए। सुबह निकल जाएंगे पटना के लिए। वैसे भी शैशव थक गया होगा ना, उसे आराम की जरूरत है। हाँ ठीक है, वही सही रहेगा। सब कुशल हो बेटा राजीव। नहीं माँ जी, यदि आपको बुरा ना लगे तो हम सुमन से दो मिनट अकेले में बात करना चाहते हैं। आपको पूरा अधिकार है मैन जी, आप दोनों बातें कीजिए। बच्चा मुझे दे दो। अब तक तुमने जिंदगी के जो भी फैसले लिए हैं हमेशा अपने नाना को बताया है, और हमने भी तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारा साथ दिया है बेटा। और अब जो तुम ये फैसला लेने जा रहे हो बहुत कठिन है, तो क्या तुम्हारे नाना तुमसे ये पूछ सकते हैं कि तुमने ये फैसला क्यों, किस कारणवश लिया है? नाना जी, हमने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा है वो सब आपसे ही सीखा है। सिचुएशन को देखकर लगता है जैसे हम किसी दोराहे पर खड़े हैं और हमें कोई रास्ता चुनना है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम उस जगह खड़े हैं जहाँ से हमें एक रास्ता जाते हुए दिख रहा है, बस हमने वो रास्ता चुन लिया। ये अचानक कैसे? नाना जी, हम नहीं चाहते कि हम सुरभि माँ, अंशुमन जी या उस परिवार में किसी भी कलह का कारण बने। हमारी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो ऐसा हम कभी नहीं चाहेंगे, बल्कि हम तो डॉक्टर राजीव से शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और उस बच्चे को अपना प्यार देना चाहते हैं जिसने हमारे लिए अपनी माँ को खो दिया। नाना जी, हम आपको सच नहीं बता सकते, चाहे हमें पूरे परिवार और अंशुमन जी के सामने कितना भी बुरा क्यों ना बनना पड़े। नहीं तो डॉक्टर राजीव की पत्नी के एहसान हमारी सासू के लिए घुटन बन जाता और हम ऐसा कभी नहीं कर सकते किसी के साथ। वो बच्चा हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखता है, उसका जन्म हमारी जिंदगी से जुड़ा है और हमें तो ऐसा लगता है जैसे उस बच्चे के साथ कुछ रिश्ता है हमारा पिछले जन्म का। तो इस शादी के बहाने उस बच्ची को एक माँ भी मिल जाएगी और हमें जीने की आस भी, और फिर हम उस माँ के सहारे एहसान सारे कर्ज भी तो चुका देंगे ना। बस
बस इसलिए इसलिए हमने ये फैसला लिया है और कोई बात नहीं है। शाबाश बेटा, शाबाश। बहन जी चाय। महिमा जी, और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी सुमन ने ये फैसला किया है कि वो आपके घर में शादी करे। हमारी एक इच्छा थी, अगर आप उसे पूरा कर दें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी इच्छा बताएं। हम ये चाहते थे कि सुमन और डॉक्टर राजीव की शादी बहुत ही विधि विधान के साथ यही भागलपुर में हो जाए तो अच्छा। जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंशुमन जी, हम जानते हैं आप इसके लिए हमें कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम माफी मांगते हैं। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। की जरूरत है। हाँ बीबी, अभी अभी आपकी डिफिकल्ट ऑपरेशन हुई है, आपको आराम करने की जरूरत है। सुमन बस बाहर ही गई है, आ जाएगी अभी। बेटा लेटे रहो, क्या कर रहे हो? अंशुमन बेटा बात सुनो। ऐसा कौन सा काम आ गया सुमन को जो मेरा ऑपरेशन होने के बाद भी वो यहाँ नहीं है? बताइए ना माँ। सुमन कहीं नहीं गई बेटा, वो डॉक्टर साहब को बुलाने चाहिए, मानो हमारी बात। नहीं, आप मुझे बताइए कि उसे कौन सा काम आ गया ऐसा। नंदन मेरा फोन दे, मुझे सुमन से बात करनी है। मेरा फोन दे नंदन, आप आराम कीजिए, मुझे सुमन से बात करनी है। नंदन मेरा फोन दे। डॉक्टर बेटा, सुमन आती है, सुमन आ रही है। मुझे सुमन के पास जाओ बेटा। बीबी आराम कीजिए प्लीज। आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? कुछ नहीं। कहाँ है सुमन? मुझे सुमन से मिलना है, उससे बात करनी है। मुझे सुमन से मिलना है। अरे बड़के बहुआ रुको, ठीक है? तुमको जानना है ना कि सुमन कहाँ है, हम बता रहे हैं कहाँ है सुमन। दीदी अयो दादा, सुमन या डॉक्टर राजीव के साथ दूसरा ब्याह करने गई है। सुमन जी, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? आपको पता है आप किसके बारे में बात कर रही हैं? आप मेरी पत्नी सुमन के बारे में बात कर रही हैं। अंशुमन, सुमन मेरे अलावा किसी और की नहीं हो सकती, सिर्फ मेरी है वो। वो डॉक्टर राजीव के साथ शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती वो। देखिए जो सच है हम तो वही कह रहे हैं, अब कोई माने चाहे ना माने। तनाव लेना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, आराम से लेट जाओ, सुमन आ जाएगी। अरे अपनी माँ की बात तो मान लो। मैं जब तक सुमन से नहीं मिल लेता, मुझे आराम नहीं मिलेगा। माँ अंशुमन, तू तो मेरा लक्ष्मण है, तो मुझे सुमन के पास ले चल। प्लीज मेरी बात मान ले, मैं उसे देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। अंशुमन सुमन आ जाएगी बेटा, मान ले। मुझे सुमन के पास ले चलिए। आपको आराम मुझे की जरूरत है, आप आराम। सुमन जी को आराम की सख्त जरूरत है, आप प्लीज बाहर चलिए।
दिन तक मुझे सुमन के पास ले चल, मुझे सुमन से मिलना है, मुझे सुमन के पास ले चलना, प्लीज मुझे सुमन से मिल, मुझे सुमन से, मुझे सुमन से मिल, मुझे सुमन के पास ले चल, मुझे सुमन के पास चलना, सुमन से मिलना है मुझे, मुझे माफ कर देना बेबी, I'm sorry, मैं आपको इस हाल में सुमन से नहीं मिला सकता, क्योंकि अगर आप सुमन से मिलेंगे तो आपको और तकलीफ होगी, दुख होगा और मैं आपको दुखी नहीं देख सकता बेबी, सॉरी। कहते हैं मेहंदी का रंग बड़ा गहरा होता है तब पति प्यार करने वाला होता है। नाम की मेहंदी चढ़ी हो, उन हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी नहीं चढ़ सकती। दूल्हे का नाम क्या लिखना है? अंशुमान। अंशुमान। कितनी बार बताना पड़ेगा तुम्हें? राजीव देखो, सुमन बेटा, हमें उम्मीद है तुम्हारे मन में कोई दूसरी सोच नहीं चल रही है, क्योंकि हम सच में राजीव और शैशव की खुशी चाहते हैं। मेहमान जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हमें आपकी दिल याद है मेहमान जी, हमें बस आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। सभी के रिक्वेस्ट पे डॉक्टर पराग ने पिकनिक को घर लाने की परमिशन तो दे दी, लेकिन पिकनिक को आराम की जरूरत है, का ध्यान देना होगा। नंदिनी देखो बेटा, सब ठीक है ना? हाँ माँ, सब सही है, बस किसी रीजन की वजह से भैया का हार्ट रेट बढ़ गया है। भाई रुक जाओ, मनोज, सुमन दीदी आई है। आप समझे अंजुमन के दिल की धड़कने अचानक तेज क्यों हो गई थी? मेरे दिल की आवाज सुनी, अंजुमन बेटा तुम सुमन से मिलना चाहते हो ना? हम इसको तुम्हारे पास लेके आते, तुम्हें लेके आते बेटा।
पूरा विश्वास था कि तुम जरूर आओगे, कि तुम अपने परिवार अंजुमन को कहीं छोड़ के जा ही नहीं सकती। अंजुमन कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है बेटा?